Ask and it shall be given to you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For every one that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. तो बात सिर्फ तुम्हारी मर्जी की है, जिन खोजा तिन पाइया। ये नहीं कहा गया है कि जिन खोजा उनमें से कुछ लोगों ने पाया, जिन खोजा तिन पाइया। बात सीधी, खोजो और पाओ, असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं है। आस्क एंड इट शैल बी गिवन, ठुकराए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नॉक एंड इट शैल बी ओपेंड, दरवाजे के बंद रहे आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सारी बात तुम्हारी मर्जी की है। कल संध्या से बात हो रही थी तो मुझसे कह रही थी कि पता है, लेकिन पता रहते हुए भी ध्यान के कुछ क्षण ही उपलब्ध हो पाते हैं, और फिर मन इधर उधर चला जाता है और तमाम चीज़ें हैं जो हावी हो जाती हैं, महत्वपूर्ण लगने लगती है। तो यही कहा उनसे कि आपको वास्तव में जब उसकी आकांक्षा होगी मिल जाएगा, क्योंकि तब आप उसका महत्व समझोगे, उसे प्रथम वरीयता दोगे और दिलो जान से उसको मांगोगे। जब उसे पहली वरीयता दी जाती है, जब उसे सर्वोच्च पायदान पर रखा जाता है, जब कहा जाता है कि ये नहीं तो कुछ नहीं, एक तू न मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, जब मन स्पष्टतया इस भाव को अनुभव करने लगता है, तब दरवाज़ा खुल गया। तुमने पूरी शिद्दत से अभी खटखटाया कहाँ, और पूरी शिद्दत से खटखटाने का मतलब ये मत समझ लेना कि उसमें कोई बहुत श्रम लगता है। पूरी शिद्दत से खटखटाने का मतलब इतना ही है, साफ मन से खटखटाना। उसका मतलब ये नहीं है कि लाठी डंडा लेकर के उस पर पिल पड़े हो दरवाजे पर कि तोड़ ही देंगे। हमसे जब कहा जाता है कि दिलो जान से कोई काम करो, तो ऐसी हमारी कुछ मानसिकता है कि हम उसका मतलब ये समझते हैं कि हथौड़ा और क्रेन और बल प्रयोग, इसी तरह की छवियां मन में उठती हैं। नहीं, ये बात नहीं हो रही है। आस्क एंड इट शैल बी गिवन, मांगो तो, व्यापार नहीं करो, मांगो। और मांगने का अर्थ जानते हो क्या होता है? पूर्ण समर्पण। हमें मांगना आता नहीं। याद करो आखिरी बार तुमने कब किसी से कुछ वास्तव में मांगा था। तुम्हें तो जब मांगना भी होता है तो तुम यूँ दिखाते हो जैसे बदले में कुछ दे सकते हो। एक भिखारी भी तुम्हारी गाड़ी के पास आता है चौराहे पर तो कहता है पैसा दे दो, दुआएं ले लो। वो ये नहीं कहता कि मांग रहा हूँ, वो कहता है व्यापार कर रहा हूँ। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम मुझे दे नहीं रहे हो, तुम अपने ही भला कर रहे हो, एक पैसा दो 10 लाख लो। ऐसे ही हम भिखारी हैं, मांगते नहीं है ना। मांगने का अर्थ है स्पष्ट कहना दो। और याद रखना, जब तुम वास्तव में मांगोगे तो उसमें याचना का भाव नहीं रहेगा। जब तुम झूठा व्यापार करने निकलते हो तब तुम बनते हो भिखारी। एक बच्चा जब अपनी माँ से मांगता है तो उसमें न विनय है न याचना। माँ है, मांग सकता हूँ, मांग रहा हूँ, हक है मेरा। न व्यापार कर रहा हूँ न याचना कर रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ। तूने जन्म दिया है तू ही ख्याल भी रख, तू नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। और किसका ख्याल रख रहा है? कल क्या कह रहे थे बुल्ले शाह? तुम ही तुम व्याप्त हो चारों तरफ, तुसी आप ही आए सारे हो, तुम ही तुम तो व्याप्त हो चारों तरफ। अपना ही ख्याल रखोगे, मेरा ख्याल रखो,
तो अपना ही ख्याल रखोगे। इतने हक से मांगने के लिए सिर्फ आत्मीयता चाहिए, प्रगाढ़ प्रेम। हक से जाकर के कहा दो, और जब उतना प्रेम होता है तो अक्सर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अस्तित्व तो खुद समझ जाता है कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, वास्तविक जरूरतें, और उन्हें पूरा कर देता है तुम्हारे बिना मांगे। वो बात हमारे छोटे से मन की समझ से बाहर की होती है। तुम देखना, जब तुम इस समस्त सृष्टि के साथ एक अनुभव करोगे तो तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी होने लगेंगी। तुम उसका कोई कारण नहीं खोज पाओगे, वो बात तर्क में समाएगी भी नहीं। तो तुम कह दोगे चमत्कार है, जादू है। हाँ, जादू ही है, जादू ही तो है कि हम सांस ले पा रहे हैं। क्या जादू नहीं है? जादू ही तो है कि हम यहां बैठे हुए हैं। क्या जादू नहीं है? हाँ, उसमें ओछे अहंकार को तृप्ति नहीं मिलती है कि मैंने कमाया नहीं और मुझे मिल गया, पता नहीं कौन आकर के कैसे दे गया। हमें अच्छा लगता है कि अर्जित करें, पुरुषार्थ दिखाएं, पर अस्तित्व ऐसे नहीं चलता। जो तुम्हें वास्तव में चाहिए वो तुमको धीरे से चुपके से आकर के कोई दे जाता है। तुम्हारी सारी जरूरतें तुमसे ज्यादा किसी और को पता है, वो दे जाएगा, धीरे से आकर के दे जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा दे जाएगा। और अगर कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हें बहुत यत्न करना पड़ रहा है तो साफ समझ लो कि शायद वो तुम्हें मिलना ही नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हम में से कई लोग किसी लक्ष्य की तरफ बहुत कोशिश करते होंगे, कमर कस लेते होंगे, मेहनत करते होंगे, और पाते हैं कि उन्हें मिल नहीं रहा। बहुत कोशिश कर रहे हो तब भी मिल नहीं रहा, व्यर्थ ही ऊर्जा मत गवाओ, व्यर्थ ही मन खराब ना करो, शायद वो तुम्हें मिलना चाहिए ही नहीं। छोड़ दो, क्या ज़रूरत है। एक सीमा के बाद जो हो ना रहा हो उसके होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। उस सीमा को जानना ही विवेक है। कोशिश करो, एक सीमा तक कोशिश करो, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो शायद अस्तित्व की यही मर्जी है। मान लो, न दुखी हो न और छटपटाओ कोशिश कर करके, उसके आगे सिर्फ तड़प मिलनी है तुम्हें। तुम असंभाव्य को परिणीत कर देना चाहते हो, वो होगा नहीं। तुम उल्टी गंगा बहाना चाहते हो, बहेगी नहीं। उन मौकों पर थोड़ा सा बुरा लगेगा, मैं जो चाहता था वो हुआ नहीं, पर जब बुरा लगे तो अपने मन से बात करना, उससे कहना तुझसे ज़्यादा बड़ी मर्जी किसी और की है और वो तेरा बड़ा हितैषी है। अच्छा हुआ कि जो चाहता था तू वो हुआ नहीं, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, अब मैं पनिया भरन से छूटी। तुम्हारी मर्जी हो जाए बहुत बढ़िया, तुम्हारी मर्जी ना हो उससे भी बढ़िया। समझ रहे हो बात को? आस एंड यू शैल बी गिवन, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन, सीक एंड यू शैल फाइंड। उसमें ये कहीं पर नहीं है कि कीप आस्किंग, ना यही है कि कीप सीकिंग,
आस्क, बात सहज है, सरल है, कमर तोड़ मेहनत करने की बात नहीं है, 50 सालों तक साधना करने की बात नहीं है, सहज भाव से बच्चे की तरह मां से एक हो जाने की बात है। और मां पर थोड़ी श्रद्धा रखो, अगर तुम पाते हो कि कुछ मांग रहे हो और वो नहीं मिल रहा, मैं दोहरा रहा हूं उस बात को, तो जान लो कि उसका मांगा जाना ही उचित नहीं था, नहीं तो तुम बड़ा कुतर्क कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि मैं तो तब से मांग रहा हूं कि अचानक मेरे घर में 2 करोड़ रुपए कोई रख जाए, पर ऐसा तो कोई रख के नहीं जाता, और जीसस बोल गए हैं आस्क एंड इट शैल बी गिवन, ऐसा तो होता नहीं दिख रहा। मैं वहां पीछे बैठ करके तब से सीख कर रहा हूं कि कहीं इधर उधर छुपी हुई बियर की एक आध बोतल निकल आए, क्या पता पत्तों के नीचे, झाड़ी के नीचे कोई छोड़ ही गया हो, बड़ी सीकिंग चालू है, पर फाइंडिंग होती नहीं दिख रही है। नहीं, जब कहा गया है आस्क एंड इट शैल बी गिवन, तो उसमें ये मान करके कहा गया है कि तुम बच्चे की तरह निर्मल मन से, आत्मीयता से मांगोगे। तुम्हारी भ्रष्ट कामनाओं के लिए नहीं कहा गया है कि आस्क एंड इट शैल बी गिवन। कौन सी कामना भ्रष्ट है वो इसी से समझ लेना। जिस कामना की पूर्ति में बड़ा श्रम लगे वही कामना अनुचित है। ये बात हमारी रोजमर्रा की व्यवहारिक बुद्धि के विपरीत जाती है, क्योंकि हमें सिखाया ये गया है कि अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए धरती आसमान एक कर दो, पहाड़ों को चीर दो और उनके बीच से रास्ता बना दो, और ऐसी ही कहानियों पे हमारा बचपन पला है, और ऐसे लोगों की हम बड़ी पूजा करते हैं, परम पुरुषार्थी मानते हैं उनको, लेकिन अस्तित्व का सच कुछ और है। अस्तित्व कहता है जो तुम्हें वास्तव में चाहिए उसके लिए बहुत श्रम की आवश्यकता नहीं है। आस्क एंड इट शैल बी गिवन। श्रम तो तुम फिजूल किए जाते हो। तुम अपने चारों ओर देखो, अभी पानी को देखो, सूरज को देखो, इन पेड़ों को देखो, इन छोटे छोटे पौधों को देखो, इनमें से कौन तुमको श्रमिक वर्ग का लग रहा है, कौन तुमको ऐसा लग रहा है कि खून पसीना एक करता है, कौन? तुम इनकी शक्लें देखो, ये ऐसा लग रहा है कि अब शाम के 5 बज रहे हैं तो दफ्तर से लौट के आए हैं और चुसे हुए हैं, और आज इसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर यहाँ से करीब 300-400 किलोमीटर दूर लोग इस समय घर लौट रहे होंगे और उनकी शक्लें कैसी होती हैं। अस्तित्व में कुछ भी नहीं है जिसे इतना कर्ता भाव दिखाना पड़ता हो। देखो आस्क एंड ही शैल बी गिवन, इन्हें तो मांगना भी नहीं पड़ा और इन्हें मिल गया, मांगते भी नहीं है, इतनी आत्मीयता है, मांगते भी नहीं और मिल जाता है। और हम ऐसे भिखारी हैं कि जीवन भर मांगते रहते हैं फिर भी यदा कदा ही मिलता है, और जब यदा कदा मिलता है तो हम उसका बड़ा उत्सव मनाते हैं, हम कहते हैं आज सफलता मिली। देखो हमारी सफलताओं का महत्व ही इसीलिए है क्योंकि 1000 बार यत्न करते हैं तो 1 बार सफल होते हैं। और अजीब मन है हमारा, वो कहता है 1000 बार कोशिश की, 1 बार मिली तो चीज़ अद्भुत होगी, बड़ी कीमती होगी। हम ये देख ही नहीं पाते कि 1000 बार कोशिश करके अगर 1 बार मिलती है तो शायद वो कोशिशें ही व्यर्थ थीं। क्यों ये कोशिश करी? ये जो 1 बार का मिलना था ये बस संयोगवश हो गया, वरना नियम तो यही है कि नहीं मिलता। ठीक,
तुम 1000 बार कुछ करो, 999 बार न मिले तो नियम क्या है कि नहीं मिलेगा, और अपवाद क्या है कि मिल गया। पर जो अपवाद है उसका हम उत्सव मनाते हैं, और जो नियम है उसको हम अनदेखा कर जाते हैं। जीवन के अस्तित्व के नियमों के विपरीत जी करके तुम्हें कौन सा आनंद मिल जाना है? कबीर ने कहा है, जो सहजता से मिले वो दूध है, वो खीर है, और जो खींचातानी से मिले वो सिर्फ रक्त है, खून है। जीसस उससे अलग कोई बात नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। सहजता से मिल गया, अच्छा, वो खीर, और जहां खींचातानी है, जहां स्ट्रगल है, हम पढ़ाते हैं एक भूल कभी मत कर देना, स्ट्रगलिंग के संस्कार अपने छात्रों में मत डाल देना। ये उन्हें मत बता देना कि 1000 बार हारो फिर भी लगे रहो। या तो ये कहो कि तुम मजे में खेल रहे थे ना, वही जीत है तुम्हारी, फिर ठीक है कि मजे में खेल रहे थे, यही जीत है। अब आखिरी परिणाम की परवाह किसको है?